हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला है बांग्लादेश बनाम साउथ अफ्रीका एंड ये फिर से खेला जाएगा न्यूयॉर्क इन द स्टेडियम एंड यहाँ पे लास्ट मुकाबले में क्या हुआ ये आपको बताने की कुछ खास जरूरत है नहीं क्योंकि आप सबने मुकाबला बिल्कुल देखा है एंड ने साथ में अपनी प्लेयर्स और अच्छी बोलिंग के साथ ये गेम इंडिया ने जिता दी है बड़े अच्छे मार्जिन से

तो पेसर्स को लेके स्पेशली नसीम शाह ज्यादातर लोगों के टीम्स में नहीं थे तो वहां पे अच्छा वहां पे मुनाफा हो गया बट स्मॉल लीग सेलेक्टिवली खेलेंगे में माई मार्स इलेवन पे वो जरूर ज्वाइन करेगा एंड ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हो रियल पे एंड एक्सचेंज ट्रो रुपीज हंड्रेड रियल कैश मिलेगा ऑन साइन अप ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अभी जाके साइन अप कर लीजिए इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है माई मार्च इलेवन जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करते रहोगे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी ऑन दी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस कुछ चांस है आपके पास बड़ी बड़ी प्राइजेस यहाँ पे जीतने का एंड नो लॉस लीग जैसे मैंने कहा आप एक्सचेंज क्या क्या करते 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 हो करते हो हो प्लेयर्स को सेल एंड होता है है अगर प्लेयर आपको लग रहा है अच्छा करेगा तो आप बाई करते हैं अगर आपको लग रहा है खराब करेगा तो आप उस हिसाब से सेल करते हैं यहाँ पे नो लॉस लीग में क्या हो जाता है एक अमाउंट तक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक यहाँ पे आपका लॉस कवर्ड है अगर आप पंद्रह मैचेस खेल रहे हो सो गुड चांस फॉर यू टू मेक समोफिट विदाउट अच्छे फॉर्म में चल रहे एंड बाट्समैन एंड रबार्डा ने भी अच्छा किया है इन कंडीशन में पर थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है विदेथ बोलिंग उसके अलावा आप देख रहे हो एक रेड फेज हुआ है बांग्लादेश की ओपनिंग बैटिंग स्पेशली इन कंडीशन में ज्यादा स्ट्रगल करेगी एंडसन एंड रबार्डा में आपके पास

जाता है। आपको वहीं पे पे मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं, तो बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे एंड रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो स्लाइटली ओवरकास्ट वेदर हो सकता है बट ऑल इन ऑल क्लियर लास्ट गेम भी हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई पर एट दी एंड उतरे एक पूरा मुकाबला हमें देखने को मिला पिच पे हम काफी बात कर चुके हैं क्योंकि ज्यादातर मैचेस जो हमने कवर किया वो यही ग्राउंड पे थे एंड वही टाइप की पिच होगी वापस अन ईवन बाउंस वाली थोड़ा सा बीच में स्टिकी बाउंस एंड जब तक वो सेटल uh, नहीं हो जाती पिच आप यही देखोगे जब तक वो पिच पूरी तरीके से फ्लैट एंड आउट ना हो सो so, फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वही वन थर्टी वन स्कोरिंग सॉर्ट ऑफ मुकाबला एंड फिर से बोलर होंगे आपके लिए योर ऑफ द स्लीव साउथ अफ्रीका एक ही केशव महाराज का रोल इस गेम इंटरेस्टिंग ऊपर है, है काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स फॉर बांग्लादेश टॉप फाइव में इनके पास आप देख सकते हो फोर लेफ्ट हैंडेस है तो क्या एडेन माक्रम बोलिंग करेंगे ये होगा आज का बड़ा सवाल अब चलते हैं टीम साउथ अफ्रीका की तरफ एंड समझते हैं कि कौन से की प्लेयर्स होंगे एंड क्या टीम तो क्विडन डिकॉक की बात की जाए थर्टी सिक्स का एवरेज वन नाइनटी फोर रन मारे वर्सेज बांग्लादेश काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मे बी यही होगा उनके लिए वो गेम जहाँ पे अपना फॉर्म वापस पापा एट न्यूयॉर्क दो मैच में सिर्फ बीस रन लास्ट मैच में थोड़े अनलकी रीजा एंड्रिक्स की बात की जाए तो एक ही मुकाबला खेला है बांग्लादेश के सामने जिसमें सिर्फ चार रन आए थे एंड एट न्यूयॉर्क भी दो मैच में सिर्फ सात रन वापस लास्ट गेम में एक बहुत ही अच्छी डिलीवरी मिली इन्हें फ्रॉम लोगन वैन बीक उस तरीके की बोलिंग फिर से पे करेंगे टस्को टास्क इन, इनके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे आसान वापस नहीं होने वाला एंड आई थिंक ऑल ऑल इन दोनों टीम्स में बोलर्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं बांग्लादेश के पास उतने क्वालिटी पेसर्स नहीं है बट एक दो वापस क्वालिटी ऑप्शन इनके पास भी है एडन माक्रम आई थिंक वाइल्ड फॉर्म इनका खास रहा नहीं है न्यूयॉर्क में भी सिर्फ बारह रन किए दो गेम्स में में बट इस गेम में जरूर इनके साथ जाऊंगा क्योंकि जितने लेफ्ट हैंडर्स हैंडर टॉप ऑर्डर अगर वो जल्दी आउट नहीं हुए तो वहां पे आप देख सकते हो इनका रोल विद द बॉल हैंस मुझे लग रहा है कि इनको छोड़ना वो हिसाब से रिस्की हो जाएगा हेन्स है। इस गेम में तो डेफिनेटली इनके साथ में ऑप्टेन करूंगा क्लासन वापस आईपीएल बहुत अच्छा टच था इनका जो हमने अब तक नहीं देखा इन दे वर्ल्ड कप बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जल्दी आएगा टू मैचेस में सिर्फ 23 थ्री रन अगेन एट न्यूयॉर्क एंड बांग्लादेश के सामने ये खेले नहीं है अब चलते हैं डेविड मिलर की तरफ इन्होंने एक सौ रन की पारी की है बांग्लादेश एंड कभी भी आउट नहीं हुए इनके सामने 164 178 की स्ट्राइक रेट एंड एट न्यूयॉर्क टू तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं लास्ट गेम में ये पिच को समझ लिया था अच्छे तरीके से खेल के चेज भी कर लिया था तो ऑफकोर्स पिक वर्थ कंसिडरिंग बट क्योंकि क्यों इतना लो वो आ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी वैल्यू डिस्टेंस अच्छा खेले एंड ज्यादा जो कहते हैं वो एरी पेरी ने खेले नहीं है टू मैचेस में 46 सिक्स रन लास्ट गेम में अच्छी तरीके से इनिंग संभाली टू वन एंड एक तरीके से पकड़ के रखा विद डेविड मिलर ऑन दी अदर साइड एंड वर्सेस बांग्लादेश एक मैच में सिर्फ सात रन वापस ये भी एक कैंडिडेट है जिनका ऑफ स्पिन यूज किया जा सकता है इस मुकाबले में माको यान लोअर ऑर्डर बैटर है पेसर है आई थिंक इनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस मुकाबले में मेरे लिए टॉप कैप्टनशिप किया है ये जो नेचुरल लैंड हैं वो बहुत परेशान करेगी बांग्लादेश को विद द काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस पिच एंड साथ साथ में लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी आपको करके दे सकते हैं कगीजो रबाड़ा लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं बट वर्सेज बांग्लादेश तीन मैच में छह विकेट इनकी काफी बैटर्स को इन्होंने टॉप परेशान किया स्पेशली ओडिया में बट बैटर्स तो वही है एंड एट न्यूयॉर्क दो मैच में अब तक दो विकेट एनरिक नोकिया एक और टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस इनका जो पेस है वापस परेशान करेगा एंड ये वर्सेस बांग्लादेश है तो वो जो वर्ल्ड है नेद, नेद जो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं दो मैच में सात विकेट एंड एट न्यूयॉर्क टू मैच सिक्सोर्स सीवीसी बांग्लादेश के सामने खेला नहीं है तब तक अभी 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 इनका करियर इंटरनेशनल करियर इन टी ट्वेंटी स्टार्ट हुआ एक महीने पहले एंड एट न्यूयॉर्क बहुत अच्छा किया है लास्ट मैच में फोर फोर लेके आ रहे हैं तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे इस मुकाबले में केशव महाराज दो मैच में सिर्फ एक विकेट वर्सेस बांग्लादेश एंड इनकी स्लॉट पे थोड़ा कंटेंशन है मुझे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑफ स्पिन के ओवर्स यूज किए जा सकते हैं इस गेम में एंड अगर ओवर्स कटेंगे तो इनके ही कटेंगे उस सिचुएशन में तो वो हिसाब से अपॉर्चुनिटी मीटर इनके लिए थोड़ी सी डाउन हो जाती है इस मुकाबले में एंड एट न्यूयॉर्क टू मैचेस टू विकेट्स तो खराब रिकॉर्ड तो नहीं है बट अभी के लिए टीम में नहीं लूंगा बेस्ड ऑन द मैचअप्स अब चलते हैं टीम बांग्लादेश की तरफ एंड पे तंजिद हसन जो साउथ अफ्रीका के सामने ना खेले ना खेले न्यूयॉर्क में एंड आई थिंक ये कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राइव करना पसंद करते हैं ऑफ अ गुड लेंथ एंड यहाँ पे वो सबसे मुश्किल शॉट है सो आई थिंक इनके लिए स्टार्ट तो थो थोड़ी सी मुश्किल होगी एक्सेप्शनल बैटिंग यहाँ पे कर जाए सौम्या सरकार इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है वर्स दिस टीम 25 की एवरेज है सर बट 161 की स्ट्राइक रेट साथ साथ में याद रखिए कुछ मीडियम पेस ओवर्स भी डाल सकते हैं ये तो काफी अच्छा रिकॉर्ड इनका स्पेशली इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेयर्स जिनकी हम बात करेंगे तो एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस मुकाबले में लिटिन दास सर 19 की एवरेज And 97 के से किया तो वापस struggling in this case, and form भी इनके इनके साथ साथ कुछ खास रहा नहीं है है आपको मिलेगी जो काफी important है on this pitch, हमने देखा है कीपर्स काफी इन द गेम रहे तो वो एक फैक्टर इनके फेवर में जरूर रहेगा नजमुल हुसैन शांटो एक मैच में सिर्फ नॉर्थ वर्स साउथ अफ्रीका एंड वापस इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं रहा बांग्लादेश का एक्चुअली जो टॉप हाफ ऑफ दर्डर है वो काफी स्ट्रगल किया है अब तक तो so लेट्स इनके लिए भी कैसा एक दो विकेट जल्दी गिर जाएगी तो इस सीनारियो में वो आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं इनिंग्स को एंड वहां पे आपको फैंटेसी वैल्यू बीस पच्चीस रन से मिल जाएगी अल हसन सेवन मैचेस सेवेंटी थ्री से रन एंड नाइन विकेट तो बैट के साथ रिकॉर्ड काफी खराब वैल्यू टेन की एवरेज बट बहुत सारे विकेट्स लिए उन्होंने एंड दैट विल वर्क इन हिस फेवर हेंस आपकी टीम में तो रहेंगे एंड मैं कहूंगा क्योंकि यहां पे वो अनइवन बाउंस है तो वो भी फैक्टर एक इनके फेवर में बिल्कुल चलेगा विद द बॉल तो अवित रिजॉय बहुत ही अच्छी पारी खेली इन्होंने वर्सेस श्रीलंका इन द लास्ट गेम तीन सिक्सेस वहां मारे बट यहां पे वापस डिफरेंट टाइप के बोलर्स एंड हमने देखा है कि जब एक्स्ट्रा पेस इनको डाला जाता है ये क्रॉस पैटेड शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं एंड बॉल हवा में जाके वहां पे वो कैच दे देते हैं तो दैट विल बी अ बिग फैक्टर दैट विल वर्क अगेंस्ट हिम क्योंकि यहाँ पे स्पिनर एक चार ओवर या सारे के सारे पेस मोहम्मदुल्ला अच्छे टच में लगे हैं इन दिस वर्ल्ड कप एंड तीन मैच में तीस रन दिए बर्सेज साउथ अफ्रीका तो वो एक कंसर्न पॉइंट रहेगा बट अगर पहले बैटिंग करते हैं क्योंकि इतने अनुभव इतना अनुभव है इनके पास एंड अच्छा खेलते हैं स्क्वायर शॉट्स अच्छे खेलते हैं तो डेफिनेटली वन मोर पिक वर्थ कंसिडरिंग मे बी ऑफ स्पेन ओवर्स इनके भी यूज किया जाए इन दिस गेम अहमद चार मैच में सिर्फ तीन विकेट वर्सेज साउथ अफ्रीका बट जैसे मैंने कहा इनका जो नेचुरल लेंथ है इस पिच को सूट करेगा हैंस मैं डेफिनेटली अपने बेस्ट टीम में रखूंगा एंड अगर आपको लग रहा है एक दो टीम में आपको इन्हें सीवीसी करना है जहां पे आप साउथ अफ्रीकन कोलैब्स की टीम बना रहे हो तो डेफिनेटली हिल बी अ वर्दी कैंडिडेट मुस्तफीज और रहमान पहले बोलिंग करते हुए एक नेसेसिटी हो जाएंगे आपके लिए एंड तीन मैच में सिर्फ एक विकेट है वो साउथ अफ्रीका इनका तो वो एक कंसर्न पॉइंट है बट आई थिंक ये जो बोलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है यहाँ पे इन्हें भी छोड़ना काफी डेंजरस हो जाएगा तंजिम हसन शाकिब अब इनका कैसा यहाँ पे गेम रहेगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच ये जाने जाते हैं अपने स्किल्स के लिए एंड जहां पे थोड़ी सी असिस्टेंस होती है मूवमेंट होती है वहां पे काम आते हैं अब प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे कि लैटरल मूवमेंट कम हो गई है एट दिस वेन्यू जैसे गेम्स जाते गए तो मे इन इनको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक तो नहीं कहा जा सकता बट डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि पहले बॉलिंग में कुछ ओवर्स डेथ में करेंगे तो ये हुए हमारे आज के प्लेयर के डिस्कशन अब बनाते हैं हमारी आज की फैंट

आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं ऐसे टाइप के प्लेयर हैं जो बॉल फ्लाइट करते हैं सेकंड बॉलिंग में और भी इफेक्टिव हो जाएंगे फर्स्ट बॉलिंग में साउथ अफ्रीका में भी उन्हें चलते हैं बोलिंग की तरफ यहाँ पे मैं चारों साउथ अफ्रिकन पेसर्स को पहले भर दूंगा विदाउट थिंकिंग अबाउट इट टू मच तो यहाँ पे मेरा एक पेसर पे बाकी के तीन पेसर्स तो आई थिंक प्रिटी मच ये मेरे साथ लॉक पिक्स रहेंगे चाहे टॉस कुछ भी हो कुछ भी हो जाए उस सिनेरियो में ये सात प्लेयर्स डेफिनेटली मेरे टीम में रहेंगे में में भी 70 -80 टीम्स में, ये सातों प्लेयर्स मेरे साथ रहेंगे अब बाकी के चार स्लॉट्स आप कैसे भरोगे एंड क्या सिनेरियो में किन प्लेयर्स को लोगे वो डिस्कस करेंगे सो इफ बांग्लादेश बोल फर्स्ट मैं टस्किन एंड मुस्तफीज दोनों के साथ जाऊंगा इफ बांग्लादेश बोल सेकेंड तो फिर मैं उसके इसमें मुस्त फिजुर को हटा दूंगा एंड देन आई माइड गो विद केशव महाराज अगर मुझे लग रहा है कि टोटली कोलैप्स हो जाएगा तो टस्किन अहमद दोनों सीनारियों में मेरी टीम में रहेंगे एंड बाकी के जो तीन स्लॉट्स हैं यहाँ पे आप जाओगे एक बैटर के साथ ना बांग्लादेश बैट फर्स्ट मोहम्मद अब्दुल्ला एक अच्छी चॉइस यहाँ पे बन जाते हैं एल्स वेल रीजा हैंड्रिक्स का फॉर्म हमें लगा नहीं अब तक आया है आई थिंक एक वो जो नॉक है कभी भी ड्यू है हैंग्लादेशी बोलर अगर टच के नहमत ने अपनी लाइन नहीं ढूंढी तो फिर बाकी बोलर्स काफी रन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं हेंस रीजा एक अच्छी पिक बनकर आएंगे इफ साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट डेविड मिलर एक अच्छी चॉइस बनेंगे इन बोथ सिशन ऑनरिक्ला एक अच्छी चॉइस बनेंगे अब बचा एक स्लॉट ये लास्ट स्लॉट में अभी के लिए मैं भर रहा हूँ मुस्तफीज गुड चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो नाइनटी नाइन परसेंट दोनों शाकिब अल हसन इज अ वेरी गुड वाइस कैप्टनसी चॉइस अगर कोई भी हमें साइंस में लेकर एडन माकरम बॉलिंग करेंगे तो मैं उनके साथ भी जा सकता हूँ यहाँ पे तो कीपिंग वैल्यू भी मिलेगी इनके साथ इन द बैटिंग सेक्शन डेविड मिलर एंड दोनों अच्छी चॉइसेस है इफ नजमुलस्ट हिल बी अ वेरी गुड चॉइस इन दी ऑलराउंडर सेक्शन रिशाद हुई बोल सेकंड सोम्या सरकार इफ इज बैटिंग सेकेंड क्योंकि फिर पहले बॉलिंग में, में भी कुछ ओवर्स भी कर जाए एंड सेकेंड बैटिंग में थोड़ा सा आसान हो जाता है ये स्पेसिफिक ट्रैक केशव महाराज इफ इज बॉलिंग फर्स्ट एंड मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे विकेट गिर जाएंगे तो उनके साथ जाऊंगा एंड तंजिम हसन शाकिब और शोरिफुल इस्लाम वन ऑफ हुए प्लेस गेम

पसंद आया हो जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए डूर मोबाइल टू जॉइन एट द रेट फैटिसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम दन अपडेट्स एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंच पाए सी ऑल वेरी सोन फॉर अनदर प्रीव्यू